लगा दो पीनिया वगैरह सो ना बस इसे ना एक एक रख देना भाभी फिर ये एक हाथी बेटे को भी रख देना फिर हाथी बेटा बैठे बैठे करा उधर से कुछ रख दे इधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मैं सब बहनें और भाई खैर खैर ऐसे होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो माशाल्लाह आज जो है हम नए किचन की जो है तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है ना गर्मी बहुत ही ज्यादा होती है, दिन को जो है उधर छांव नहीं है। ये देखें हमने इधर जो है झोपड़ी पर्दा लगा लिया है। तो अभी इसके नीचे जो हमने चूल्हा भी रख दिया। इसकी अभी आज करने वाले लिबाई जी, क्योंकि दोपहर को अगर कुछ बनाना हो तो इधर ही बैठ के बना लेते हैं। भाभी को इतना सांस चढ़ गया है, देखिए भाभी को गर्मी की वजह से जाता है ना। असलम बाबा तो कैसे आप सब? तो मेरा कद ना थोड़ा बड़ा है, ये जो है ये छप्पड़ जो है मेरे सर के ऊपर ही, ये देखे मैं अभी सीधी होती हूँ ना, ये मेरे ऊपर आ जाता है। तो ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि दोपहर को उधर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, कुछ दोपहर को बनाना हो तो इधर ही बना लेते हैं। ये देखिए लकड़ियों से जो हमने बांध के ना ये रस्सी से मजबूत कर दिया है जी। वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा है कि उधर बैठ के तो कुछ हम बना ही नहीं सकते। तो हमने सोचा जो गर्मियां अभी बच गई है छप्पर के नीचे बस ना गुजारनी है जी। ये अभी माना को मैंने कुछ इसकी तैयारी कर ली। चूल्हा जो है हमने पहले माशाल्लाह से बना के रखा हुआ था। क्या हो बेटा कहते मुझे निकाल दे? नहीं आप इससे खेले अभी, अभी पहले तो बना के रखा हुआ तो अब इसकी लिबाई कर रहे हैं। तो बस आप सोचते होंगे कि अब्दुल हादी की ना सफाई नहीं रखती सुहाना और फौजिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस क्योंकि आपको पता है ना बच्चा है तो ये रोने लग जाता है, कहता है मुझे बस नीचे छोड़ो मैंने खेलना है। तो हम बस इसे नीचे छोड़ देते हैं, खेल लेता है ना तो फिर इसे प्रेस करके फिर क्या करे नंबर टी में खेलता है, तो इसलिए जी ये भी जरूरी है, इसको ना छोड़े तो फिर रोने लग जाता है। सोना आप हाथ ना खराब करो, मैं लिबाई कर रही हूँ, आप और चीजें ले आओ। चलो ठीक है अभी हाथ भी फिर ना लकड़ियाँ भी इधर बना के रखनी है ना। ये थोड़ी नीचे भी सफाई, ये तो नीचे अभी लिबाई करेंगे ना, पहले चूल्हा रख रही है ना इसलिए। देखें कैसे जो बहुत ही प्यारा हमारा जो किचन बन गया है बाहर का। हाँ क्योंकि माशाल्लाह से बिली भाई का लिया है, क्योंकि अभी जितनी गर्मी भी होगी ना तो हम इसमें बैठ के ना आसानी से जो है वैसे खाना भी दोपहर को कुछ बन चाय बनानी हो या कुछ बनाना हो खाने में तो माशाल्लाह इधर ही बैठ के बना लेते हैं। लकड़ियाँ भी चले आज तो माशाल्लाह से अभी तैयारी कर रहे हैं, चूल्हे को लिबाई भी किया है और ये चेयर भी लगा दिया है और बाकी सामान भी लगा गया। अभी इसकी लिबाई करके ना फिर चलती है लकड़ियाँ बनाना सामान और मैं लकड़ियाँ बनाती हूँ। खुश हो गया क्या था? अभी तो आसानी हो गया, मट्टी खाने के लिए ना क्या करें, बहुत ज्यादा शरारती हो गया। ये देखिए अभी इसकी काम देखिए, खुद ही ये चेयर पे बैठ जाता है, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से हमने जैसा रोटी बनाया था। हां जब भाई और अबू जाहिद पर गया थे ना तब उन्होंने कहा बस हमें जल्दी से खाना। बस आज सुबह ही हम गए हैं सरिया से ना जाके लकड़ी ले आए हैं, क्योंकि हमारी वो वाली लकड़ियां ना वो अभी खत्म हो गई हैं, देखिए थोड़ी सी बची हुई हैं। तो हमने कहा ये उनके साथ ना मिक्स करके फिर इस्तेमाल करते हैं। चलिए इधर से कुछ बनाते हैं, कुछ भी उधर से बना लेते हैं। वैसे भी काफी दिन हो गए ना हमने भी कुछ उन्होंने सारा दिन ही हमारे पास इतनी गर्मी होती है शाम भी हो जाती है ना फिर भी धूप इतनी तेज होती है। चले ये हमारी बहुत बड़ी परेशानी जो है कल की है, क्योंकि हमारा किचन जो है सुबह सुबह जब उठते हैं तो खाना बनाते हैं तभी बहुत ज्यादा धूप आ जाती है, चाय बनानी होती है सालन बनाना होता है, तो अब ये आसान हो गया क्योंकि बनाना पता तो लगेगी धूप भी नहीं लगेगी बैठा रहता है ना, गर्मियाँ तो जब गुजारनी है ना। अभी थोड़े से बना लेते हैं क्योंकि सालन के लिए
करें मैं भी। तो अभी ना मियाँ आ गए हैं, वो अभी उन्होंने देख के अभी चले गए हैं, पूछा छूछा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी वो फ्रेश हो रहे हैं। तो सुहाना और मैं आज बना रहे हैं प्लान। सुहाना आप इधर जो है आके खड़ी हो जाना, क्योंकि आपके भाई आगे ना पूछेंगे तो आप हमसे करने वाले हैं प्रैंक, क्योंकि उन्हें यही कह रहा है कि भाभी जो है अलहदा हो गई है ना, वो तो यही कहना है सुहाना। आपको तो सीधा सा प्रैंक भी नहीं कहना, प्रैंक कर रहे हैं सुहाना आपके भाई से, मजाक अच्छा, नहीं हो रही है ना, इधर से एक्ट मजाक हो जाना, फिर उसे कहना कि आज भाभी जो है अलहदा हो गई है, फिर उसका रिएक्शन देखते हैं वो। चले ठीक है भाभी, आप जैसा कह रही है वैसा ही करूंगी। तो व्यास अभी माशाल्लाह सब्जी में हम बना रहे हैं भिंडियाँ, तो लेके हैं वो इसकी कटाई कर रहे हैं। इधर खाना तो नहीं बनाया हाँ। लेकिन इधर बैठ गए अभी दोपहर को, इसमें जो है खाना बनाएंगे, चाय बनाएंगे, इसलिए हमने मैं कहने वाली हूँ भाई को कि देखे भाई अपनी जो है अपनी बीवी के काम ये जो है अलग हो गए, अलग से अपना किचन बना लिया हाँ। इन्होंने, बस हम मजाक ही करने वाले हैं, देखते हैं कि भाई का क्या रिएक्शन होने वाला है, होता है क्या कहते हैं वो। हाँ चले आएंगे ना फिर, ऐसा ही करना था ना आपने, चले अभी आ जाए। अभी आप सब्जी काट लेना फिर। हाँ मैं सब्जी मैंने काट ली, अब काट लूंगा फिर मैं आटा गूंदूंगी उधर ही जाकर। यकीन मानो बंदा ना गर्मी के मारे मर जाता है, इतनी गर्मी है, बंदा थोड़ा जो है ना फ्रेश हो जाए तो फिर। ये क्या आज इधर सारे बैठ गए भाई, देखे ना भाभी ना अलग हो गई हैं, अलग से किचन बना लिया है भाभी ने, अलग से खाना बना रही हैं, वो कहती हैं कि मुझे आप हम आपके साथ नहीं रहना, मुझे अलग से रहना है, तो अलग से अपने कमरे के आगे किचन बना लिया है भाभी ने। तो ये सला रोटी आज भाभी जाए नए किचन में अलग से हमारे साथ में। क्यों पता नहीं, दिमाग ठीक है इसका पता नहीं, ये तो आप भाभी से पूछ। टाइम से जाना का इरादा तो नहीं है, हैं? हाँ तो क्या क्या हुआ, मैं अलहदा से बना लिया तो दिमाग ठीक है, कुछ नहीं होता, एक ना एक दिन मुझे पता है। इस लफ्ज से मुझे कितनी नफरत और एलर्जी है, ये जो तुम कह रही हो कि मैं अलहदा हो रही हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ ना कोई इधर अलहदा नहीं हो सकता, ना ही कोई सोच सकता है। मेरी बहने है, मेरी माँ है, मेरे अबू है, सब साथ मुझे ना इधर से भगा देंगे, बस इतना ही करेंगे, मम्मी के घर चली जाऊंगी बस। नो प्रॉब्लम, चली जाओ हाँ। नहीं रहना तो ना रहो हाँ, ऐसा तो कोई बात नहीं है। चले फिर मैं चली जाऊंगी, खाना अलहदा बनाऊंगी, सारा कुछ उधर ले जाओ। हम तो आपसे बस मजाक कर रहे हैं, हमें यही देखे बस, आपने देखा है भाई का रिएक्शन क्या था, इतने गुस्से वाला, मजाक कर रहे थे क्या हो गया मुझे, ऐसे क्यों देख रहे हैं। ये को मजाक है, वैसे एक बंदा थका हुआ आए और थोड़ा फ्रेश होने के लिए चाहे। आपने खुशखबरी सुनानी थी, ये हमने धूप के लिए बनाया ना, बहुत ज्यादा धूप, ये आपने साथ ही मान लिया है भाई हाँ। आपने कहा शायद सचमुच में बहुत गाने लग सकी, मैंने कहा मेरी बीवी तो समझदार है, पागलों वाली हरकत ऐसी खा तो नहीं सकती, ये पता नहीं अजीब ही कोई बात सुनने को मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। हाँ ये चलो अच्छा किया है, ये वैसे रुकने नहीं वाला, जब भी आंधी आएगी बारिश आएगी ये सपोजिया का चपड़ा जो है ना हमसायों के घर से कोई उठा के ले जाएगा उधर जाएगा। नहीं नहीं कहीं नहीं जाता ये, हमने जब आएगी ना फिर उसे उतार लेंगे हाँ। चलो बनाओ थोड़ा, मैं कंघी दे सुना, कंघी ले आओ ना इधर ही दे लेता हूँ, पंखा चलाओ तार लगी हुई है, इधर से लगा दे, करंट ना लग जाए ना, हमने इधर से लगा दिया मैं
सब कुछ उधर ले जाओ, गर्मी है इधर, कोई ना हवा लग रही है ना बैठने की जगह। ये तो बंदा दोपहर में कोई चाय बनाता है या थोड़ी छांव की जरूरत होती है। उस साइड पे हमारा किचन है, ऊपर कुछ नहीं है ना। बाहर पता नहीं कितनी माने में इतनी गर्मी, मैं सिर्फ आपको लफ्जों में बता सकता हूँ, बाकी आप खुद समझ रहे। चलो उधर ले जाओ सब, ऐसा मजाक ना किया करो, मेरा दिल छोटा है वो ना दिल। नहीं ये मजाक अच्छी बात नहीं होती ना, ऐसे दिल को कुछ हो जाते हुए, कमजोर सा दिल है मेरा, कमजोर सा बंदा हूँ मैं, ठीक है। छोटी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होने लगती, तो ये तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। अच्छा वैसे अभी शाम का टाइम हो गया है, तो अब्दुल हादी और मैं जो है ना पंखे पे बैठ गए हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि अभी जो है ना खाना चाना बन जाए और खाना खाते हैं। चार भाइयां वगैरह देखने लग गई हैं और फौजिया अम्मी सुहाना जो है ना बना रहे हैं रोटी सालन, तो खाते हैं वैसे, भूख बहुत लगी हुई है, ठीक है। तो साथ में ना आज पता नहीं कोई मच्छर है, ये पता नहीं क्या होता है, शाम के टाइम ना ये कुछ ऐसा परिंदा होता है जो कि फिर शोर करने लग जाता है। अब्दुल हादी को अभी इसकी अम्मी ने रेडी करवा के नहला के इसके ड्रेस चेंज किया है, तो ये फिर जो है ना नीचे भागने लग गया है, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी वो क्या कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी करो जल्दी बनाओ, माशाल्लाह इधर मैं जो है सालन बना रही हूँ, अम्मी और सुहाना जो है रोटियां बना रही है। वैसे भी दिल भी नहीं कर रहा था ना भिंडिया खाने का, मौसम भी नहीं है अभी भिंडिया खाने की, फिर भी भाई भिंडिया लेके आ गए। मैंने उन्हें कहा था कि टिंडे लेके आना, लेकिन वो जो है भिंडिया ले आए हैं, तो भिंडिया खाने का दिल नहीं था, तो हमने कहा चल जो गोश्त बचा हुआ है वही बना लेते हैं। अभी मुझे ना वो सीख तो रही हूँ, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जो नहीं हूँ अभी पता कि रोटी कैसे लगती है। मैंने रोटी लगाई है ना, इतनी बड़ी हो क्या नहीं लगा, रोटी इसे खिला रही है, अम्मी आज रोटी यही खाएगी जो इतने खराब किया, हाथ हो गया।